क्योंकि जो कहानी मैं आपको बता रहा था कि महाराजा मान सिंह जी जो थे, ये मीराबाई को अपनी बेटी के रूप में माना करते थे, लेकिन भविष्य के अंदर जब मंदिर तुड़वाए जाने लगे तो महाराज मान सिंह जी मीराबाई की उस मूर्ति को, जिनको अपने कृष्ण भगवान के पति के रूप में पूजा करती थी, आमेर ले आए और कहा कि मैं अब इनकी शादियां करवाऊंगा। तो मीराबाई की अलग से एक मूर्ति बनाई गई और उन दोनों मूर्तियों की यहाँ पर शादी करवाई गई। तो ये राजा मान सिंह जी ने इस मंदिर को अपने बेटे की याद में बनवाया था। राजा मान सिंह जी के 12 बेटे थे, उनमें से जो 11th सन थे उनका नाम था महाराज जगत सिंह, वो युद्ध में मारे गए थे। तो उनकी याद में उनकी माँ, जिनका नाम है कनकावती, उन्होंने टेम्पल बनाया था। तो जो ये मंदिर है, एक प्रकार से हमें शादी के मंडप के रूप में दिखाई देता है। शादी के मंडप में, कि जैसे ही शादी होती है तो बारात आती है, तो बारात के लिए सबसे पहले बनाया जाता है तोरण द्वार, जहाँ दूल्हा तोरण नाम के एक पक्षी, एक राक्षस को, जो कि पक्षी के रूप में बना रहता है, उसको मारता है अपनी तलवार से। और ये देखिए, वही तोरण द्वार आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण की ये बारात है, आई है, तो उनको वेलकम करने के लिए देखिए दोनों तरफ दो हाथी खड़े हुए हैं। इनके देखो सूंड के अंदर बड़ी बड़ी बैल्स हैं, ये घंटियां बजा रहे हैं उस बारात को वेलकम करने के लिए। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये द्वार कितनी खूबसूरत तरीके से, देखिए इस द्वार को बनाया गया, अनेकों देवी देवता भी यहाँ पर मौजूद हैं, भगवान कृष्ण की शादी में आए हैं उनको वेलकम करने के लिए। कई देवताओं की ड्यूटी लगाई गई थी कि भाई आप जो है शादी में आएंगे, क्योंकि भगवान राम के वंशज हैं। और जब भारत के मंदिरों की हम यात्रा करते हैं तो वास्तव में हमें तीन प्रकार की शैलियां, जिनसे मंदिर बने बनाए जाते हैं, देखने को मिलती है। बेसर शैली शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली। उत्तर भारत में मोस्टली हमें सभी नागर शैली के ही मंदिर दिखाई देते हैं। नागर शैली होती क्या है? एक ऐसी शैली होती है, देखिए आपको नीचे से फैली हुई है, लेकिन वहां जाकर के एक फूल के अंदर देखो समा गई है, लोटे के अंदर। तो ये ऊपर की शक्तियों को बुला रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, कमल का फूल होता है वो लक्ष्मी जी का स्थान होता है, तो लक्ष्मी जी के रूप में देवी बैठी हुई है यहाँ पर, देखिए पूरा ऊपर से बुला रही है। और ये मंदिर है, बहुत सुंदर बना हुआ है। सबसे पहला जो भाग, और कितनी खूबसूरती से इसे जो बनाया गया, आप देखिए, प्रकार की पृथ्वी है यहाँ, देखो सबसे नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, यानी कि धरती भी घूम रही है। ये व्हील्स दिखा रहे हैं कि धरती भी घूम रही है। फिर धरती के ऊपर देखो फूल उगे हुए हैं। फिर धीरे धीरे दिखाया गया आपको आदिवासी मानव, देख रहे हैं मुखौटे लगा के खड़े हुए हैं, कि आदिवासी लोग सबसे पहले माने जाते हैं ना, जो जैसे कि मीणा जाति, मीणा और मीना, मीना एक ही शब्द है, और मीना शब्द बना है मीन से। मीन जो है ये मछली का भी नाम है। और हिंदू धर्म में जो अवतार है विष्णु भगवान के, मत्स्य अवतार के रूप में भी बताए जाते हैं। तो मत्स्य अवतार का मतलब कि मत्स्य जाति जो है, यानी कि जो मीणा जाति है या मीना जाति है, ये अति प्राचीन है। और देखिए मुखौटों के रूप में कैसे सुंदर बन के रहा करते थे सबसे पहले। उसके बाद आप देखें तो आपको एक थोड़ा सभ्य जानवर हाथी दिखाई दे रहा है। हाथी के थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो आपको घोड़ा भी दिखाई दे रहा है। और फिर वहां देखिए देवी देवताओं का अवतरण हो रहा है। और यहाँ भी देखें कितना सुंदर तरीके से एक एक पार्ट को उन्होंने बिल्कुल वेल डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे ही अगर आपको जानना हो कि मंदिर किस देवी या देवता से बिलोंग करता है, तो आप जस्ट मंदिर के पीछे चले जाइए। आइए, तो आप मंदिर के जस्ट पीछे आ जाइए और आपको वही देवता या देवी दिखाई देंगे जिनका ये मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर मीराबाई का है। इसीलिए मीराबाई को महिषासुर मर्दिनी के रूप में देखो यहाँ दिखाया हुआ है। जी ये मीराबाई को डेडिकेटेड मंदिर है। और एक एक पत्थर पर देखिए कितने सारे देवी देवताओं को बिठाया गया है, कितनी खूबसूरत तरीके से एक एक पत्थर के एक एक इंच को सजा करके उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक चबूतरा है जहाँ पर मक्खन को रखा जाएगा, कि कृष्ण भगवान कभी मक्खन खा सकते हैं, दही दूध का ये कमरा, ये उनका चबूतरा है, भोग लगाते हैं ना ये, यहाँ पर मक्खन लटका के रखेंगे। देखें, अब दिखाइए मुखौटों को, जो सबसे पहली मीन जाती है, यानी मीना जाती है, वो देखिए कितनी खूबसूरत तरीकों से और वन में रहा करती थी पहले।
फिर थोड़ा सभ्य एनिमल जो हाथी आया वो देखिए आपको दिखाया जा रहा है, फिर थोड़ा सभ्य एनिमल घोड़ा आया, और फिर ऊपर देखो देवी देवताओं का अवतरण हो रहा है। अनेक कहानियां जैसे महिषासुर मर्दिनी दिखाई, वो देखो वामन नरसिंह अवतार है, ये सब दिखाए जा रहे हैं आपको यहाँ पर इन बहुत सुंदर प्लेट्स के ऊपर जो मार्बल से बनाई गई है। क्योंकि पक्षीराज गरुड़ को ही विष्णु भगवान का वाहन माना गया है और ये हमेशा उनकी सेवा में उपस्थित हैं। आइए, ये पक्षीराज गरुड़ हैं। आइए, हाँ ये वही है मंदिर बनाने का जो तरीका। ये सबसे पहले ये पाद कहलाता है इसको, तो यहाँ पर चरणों में बैठे हुए हैं गरुड़ जी। और देखिए कितने सुंदर तरीके से रेड सैंड स्टोन से और सैंड स्टोन से इस एरिया को बनाया गया। देखिए बिल्कुल सामने ही सामने ये 24 घंटे उनकी आराधना में लीन रहते हैं, ठाकुर जी विराजे हुए हैं मीराबाई के साथ में। कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं हमें, और कितनी सुंदर भजन पंडित जी ने भी बजा रखा है। ये सब कमरे थे जहाँ ऊपर रानियाँ बैठा करती थी भजन कीर्तन के दौरान, इस ऊपर गैलरी के अंदर, और नीचे राजाओं सब यहाँ पर बैठ करके भजन करते थे। तो जो बीचों बीच आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये गर्भगृह है पूरा का पूरा। इस गर्भगृह के अंदर यहाँ पर हवन करने वाली कुंडी लगाई गई थी, जहाँ पर फेरे करवाए गए थे मीराबाई और कृष्ण भगवान की मूर्तियों के, वो देखो सामने विराजित है। और उनसे पहले मीराबाई कृष्ण से पहले देखिए चारों तरफ कितनी सुंदर सुंदर देवी देवताओं का भी अलंकरण किया हुआ है। महिलाएं भी खड़ी हुई हैं अपने बच्चों के साथ में, कि बच्चे घर पे अकेले नहीं रह सकते, तो वो भी आकर के बच्चों को लेकर के आई हैं मंदिर में। देख रहे हैं सारे बच्चों के साथ में सभी महिलाएं, ये सब देवियां हैं।